अरुणास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन जमे, जिसे नमकीन सेवइयां, सेवई उपमा आदि कई नामों से जाना जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप पैन में ऑयल डालें। इसे आप गर्म होने दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसमें डालें जीरा। जब जीरा चटक जाए तो इसमें डालें कटी हरी मिर्च, कटा हुआ आलू, कटा प्याज और इसके साथ ही आप मटर डाल दें। यहाँ पर मैंने फ्रेश मटर को लिया है। इन्हें एक बार मिक्स करें। अब आप इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें। 2-3 मिनट के बाद आप पैन का ढक्कन हटाएं, इन्हें हिलाएं और इसके साथ ही आप इसमें कटा हुआ टमाटर डाल दें। टमाटर के साथ ही आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। इसे मिक्स करें। अब आप इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें। दो तीन मिनट के बाद आप पैन का ढक्कन हटाएं, इन्हें एक बार हिला लें। अब आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च ऐड करें। इसके साथ ही इसमें डालें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच सूखा धनिया। इन्हें मिक्स करें और इन्हें भी 1/2 मिनट के लिए आप पका लें। अब हम इसमें डालेंगे जमे। ये जमे घर के बने हुए हैं, ये सूजी और मैदे के बने हुए हैं। इन्हें मैंने पहले भून कर रखा हुआ है। अगर आपके पास ये जमे ना हो तो आप ये मार्केट में जो सेवइयां मिलती हैं आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं। इन्हें आप यूज करने से पहले थोड़ा सा बिना घी के रोस्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर घर के बने हुए जमे यूज कर रही हूँ। अब आप इन जमों को इन मसालों के मसाले में डाल दें। इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। क्योंकि ये घर की बनी हुई सेवइयां हैं तो इसमें जिस कटोरी से आपने मेजरमेंट किया था उसी कटोरी से मेजर करते हुए आप 2.5 कटोरी पानी डाल दें। घर की बनी हुई है इसलिए इसमें 2.5 कटोरी पानी डलेगा। अगर आप मार्केट की सेवइयों को यूज कर रहे हैं तो आप इसमें 2 कटोरी पानी ही डालें। अब इस पानी के साथ इन जवों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप इसमें एक बॉयल आने दें। जब इसमें बॉयल आ जाए तो आप इसे एक बार हिला लें। अब आप इसे ढककर तब तक पकाएं जब तक कि इसमें बहुत हल्का हल्का सा पानी ना रह जाए। बीच में आप एक बार इसे हिला दें। चार से पांच मिनट के बाद आप पैन का ढक्कन हटाएं तो देखेंगे कि इसमें बहुत हल्का पानी है वो रह गया है। एक बार आप इसे हिला लें। अगर इसमें पानी हो तो आप इसे वापस ढककर अभी पकाएं। अब इसमें बहुत हल्का पानी है, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ढक दें। अब इसे 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही स्टीम में पकने दें।
5 मिनट के बाद आप पैन का ढक्कन हटाएं तो देखिए ये आपके जमे हैं जो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये दिखने में जितने अच्छे हैं खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी लगेंगे। अब आप इसे एक बार हिला लें। अब आप इसे किसी सर्विंग प्लेट में निकालें। तो ये हमारी नमकीन सेवइयां हैं वो बनकर बिल्कुल रेडी हैं। अगर आप बच्चों को इस तरह से नमकीन सेवइयां बनाकर देंगे तो वो मैगी नूडल्स खाना बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती हैं। तो बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज उन्हें लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।